हेलो एवरीवान नमस्ते माई नेम इस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज हम देखेंगे कि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है हम पहले टेरों से पूछेंगे देन मैंने अपनी फेवरेट डेक यहाँ रखी है और हम उससे भी गाइडेंस लेंगे और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं आई वेलकम यू एंड जो एग्जिस्टिंग uh, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं लव टू ऑल एंड जो मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम रंजिता सिंह है और आई एम एन होलिस्टिक कोच आई एम ए आई एम अ कार्ड रीडर आई एम अ रेकी हीलर आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रियली लाइक टू से वन थिंग थिंगाइज अगर आप मेरी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं और अगर आप ये रीडिंग्स को चाहते हैं कि वो आपसे रेजोनेट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस तो लाइक करें शेयर करें नीचे कमेंट करें क्लेम करें एनर्जीज़ को और आपका बहुत ज़रूरी है मेरी एनर्जी फील्ड में आना ताकि मैं आपके लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स दे पाऊँ और मेरी रीडिंग आपको और अच्छे से रेजोनेट करें ठीक है सो so, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स विदाउट फर्दर दैन लेट्स गेट इनटू द वीडियो और मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में बाय, हेलो टॉरस सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है और पहले मैं तेरों से पूछती हूँ हम... okay, so, पहला कार्ड जंप कर गया है इस दस नवंबर हो हो तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और मैं व्हाट वेट Give me a second. Let me collect the cards. Okay. I don't know. काफ़ी जिज्ञासा है इस पाइल के अंदर टॉरस के लोगों के लिए ओके सो वैसे तो मैं इतने कार्ड्स नहीं लेने वाली थी लेकिन ये अपने आप ही जंप आउट किए हैं तो आई विल टेक them. Wow. सो टॉरस दिस नोम्बर यू गो नोर रॉकेट तो शुरुआत करते हैं आपके लिए पहले नाइट ऑफ कप्स तो आपके लिए कोई बड़ा अच्छा प्रपोजल आ रहा है एंड आपके लिए कुछ कोई इंसान आ रहा है हो सकता है कोई आपके लिए ट्रैवल करके आपसे मिलने आए और या फिर आप ट्रैवल करके कहीं जाएं और आप कहीं ना कहीं इमोशनली मुझे सेटिस्फाई दिख रहे हैं वहां पे नाइट ऑफ वॉन्स दर लॉर्ड ऑफ मैसेज इज़ गोइंग टू बी देर नवंबर में आपको बहुत चीज़ों पे यू uh, नो you know, नाइट इज ऑल अबाउट मैसेंजर्स सो आपको कुछ ना कुछ चीजें uh, सुनने को मिलेंगी कुछ ना कुछ, कुछ गाइडेंस मिलेंगी प्लस यू नो आई कैन सी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ पैशन इज ऑल्सो देयर नवंबर और दिस नवंबर आपके लिए uh, जो मैं देख रही हूँ विक्ट्री अगर किसी भी चीज़ में जहाँ आप अटके हुए थे जहाँ पे आप फंसे हुए थे फ़ज़ी हो रहे थे वहाँ मुझे आपके लिए आपकी विक्ट्री दिख रही है और uh, आप जिसे कहते हैं ना आप जिस भी चीज को नवंबर में टच करेंगे आप उसको अच्छा ही जिस कहते हैं ना फुल्ली सक्सेसफुल होंगे सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जहाँ पे आपको लगे कि एनालिटिकल होना है आप वहाँ होइए आपको यू you नो know, हो सकता है कि दिस नवंबर ना आपके लिए आप थोड़ी सी ना झगड़े हो जाएं लोगों से हो सकता है कि आप आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों से पॉइंट ऑफ व्यू मैच होते हुए नहीं दिख रहे हैं तो आपको अपनी टंग का ख्याल रखना है टॉरस तो आपको लोगों से भिड़ना नहीं है अगर आपको लगे कि हाँ मुझे मेरी ज़रूरत नहीं है इस फाइट में तो डोंट इन्वॉल्व ओके बहस को ना बढ़ाएं जितना हो सके उनसे बचने की कोशिश करें 10 नवंबर ठीक है और क्योंकि वहाँ पर मुझे चीज़ें ना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होती नजर आ रही हैं अगर आप फंसे अगर आपने किसी भी फाइटिंग में आर्ग्यूमेंट में इन्वॉलमेंट दिखाई तो चीज़ों का कुछ अलग टर्न हो सकती है अदरवाइज चीज़ें आपके फेवर में दिख रही हैं मुझे दिस होल नवंबर ठीक है आप बहुत और जो भी लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं या फिर हैं जो हैं ऑलरेडी उनके लिए भी बहुत जैसे कहते हैं ना नई नई आपका पार्टनर आपके लिए बहुत रोमांटिकली कुछ कर सकता है या आप कर सकते हैं कोई नया तरीका जिससे कि आप उन्हें इम्प्रेस कर सकें या वो आपको इम्प्रेस कर सके और जो भी लोगों का आ, अगर यू you नो know, जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी मुझे गुड न्यूज़ नज़र आ रही है कि कुछ पाक मुझे नवंबर में आपके लिए दिख रहा है ओहो वट आर रीडिंग एंड येस अफकोर्स आई एम सीन कि आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो उसमें भी मुझे आपके लिए क्लाइंटेज दिख रहे हैं यू नो आपकी ग्रोथ दिख रही है कंग्रेचुलेशन टूरस एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड वाइल रीडिंग योर कार्ड्स तो लेट्स सी मेरे फेवरेट डेक से आपके लिए दिस नवंबर क्या गाइडेंस आ रही है किस चीज को आपको नवंबर में करना चाहिए ठीक है ओके प्रतिहारा एग्जैक्टली exactly. सी सच अ नाइस कार्ड जो मैंने आपको बोला अगर आपको लगे कि आप कहीं पे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं फाइटिंग में प्रतिहारा इज ऑल अबाउट कि आप कॉन्शियसली किसी चीज़ से डिटैच हो जाते हैं इट्स ऑल अबाउट डिटैचिंग योर चीज़ों के साथ अटैच नहीं हो रहे हैं आपको किसी भी चीज़ के साथ अगर आपका लग रहा है कि लोगों से झगड़ा हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे ना दिख रहा है कि आप ना थोड़ा आ, कुछ लोगों से ना और कुछ चीज़ों से काफ़ी अटैच हैं तो आपको वहां डिटैच होना है थोड़ा सा ना इस दिस नवंबर आपके लिए ये एक गाइडेंस की तरह से लीजिए जहां आपको लगे आपकी जरूरत नहीं है जस्ट डिटैच योर सेल्फ लेट्स सी आपको नवंबर में किस चीज का ख्याल रखना है ठीक है ओके okay, हम इस कार्ड को लेते हैं ओके okay. द फर्स्ट कार्ड इज अबंडस किसी भी सेंस में ले लीजिए आप तो अबंडस है नवम्बर में तो आई एम अ लिमिटलेस बींग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियालिटी सी नवम्बर के मंथ में आपको अबंडेंस की फीलिंग में रहना है जस्ट लाइक like, आपके पास जो भी चीज आप क्रेव कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपको मिल गई है आपको अबंडेंस की नो you अबेंडेंस know, की फील कैसी होती है जब इंसान पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना सेटिस्फाई होता है और बड़ा खुश होता है तो एग्जैक्टली exactly आपको इसी फीलिंग में रहना है आपको बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना लिमिटलेस नहीं होना है आपको कहीं पे भी फ़ियर नहीं क्रिएट करना है क्योंकि फिर वहाँ पे अबेंडेंस चला जाता है यहाँ पे मुझे सेकेंड चीज़ दिख रही है जजमेंट आपको अगेन जज नहीं करना है लोगों को ठीक है आपको लगे जहाँ पे आपको बोलने की जरूरत है बी ट्रूथफुल एंड देन और सही का ही साथ दें ठीक है दस नवंबर आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है जो मुझे यही बता रहा है ओके लेट्स सी इन डिसीजन सो हो सकता है कि इस दस नवंबर आप कुछ चीज़ों के लिए आ, या कुछ चीज़ों के लिए डिसाइड ना कर पाए कि थोड़ा सा ना दो तरफा रहें आप कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ हो सकता है तो अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा और उनसे जवाब लीजिएगा अपनी इंट्यूशन से पूछेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा तो टॉरस अबेंडेंस जजमेंट नहीं करनी है किसी को जज नहीं करना है एंड इन डिसीजन अगर आप उस फीलिंग में आते हैं देन जस्ट आस्क फ्रॉम योर इंटन ओके सो टॉरस आपके लिए इतना ही एंड uh, मुझे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है नवंबर सो so, uh, आज के लिए इतना ही आई एल सी यू में